प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। कार्य हाथ में लिए, रेल लाइन का दोहरीकरण, वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें गरीब से गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें हमारे रेल नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की दिशा में पिछले 4 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। रेल लाइन का दोहरीकरण करना होगा, रेल लाइन का बिजलीकरण करना होगा, नई ट्रेन चलाना होगा। पहले की तुलना में किसी क्षेत्र में 2 गुना, किसी क्षेत्र में 3 गुना, किसी क्षेत्र में 4 गुना, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में पूरे वर्क कल्चर को बदल करके इतना बड़ा काम किया जा सकता है। आपको हैरानी होगी, पहले की सरकारें जनता की आंख में कैसे धूल झोंकती थी आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। और ये बड़े नसीबदार लोग रहे राजनीति में, सरकारों में, कि ज्यादा लोगों ने उनको परेशान भी नहीं किया। उस समय कोर्ट में पीआईएल नहीं होती थी, इतना सारा मीडिया भी नहीं था, इतने सारे एनजीओ भी नहीं थे, तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। आप पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों के बीच में जब रेल बजट रखा जाता था और ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, हर सांसद को खुश करने का प्रयास होता था, तालियां बजती थी, अलग अलग इलाके में खबर छपती थी कि ये ट्रेन आएगी, ये रेल आएगी, ये स्टेशन आएगा, ये स्टॉपेज आएगा, भांति भांति के। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा, भाई जरा ये बताओ तो क्या हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी, 1500 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं ध्यान में आई जो संसद में तो बोली गई लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आई। यह उनका काम करने का तरीका था। इन दिनों मैं प्रगति नाम का एक कार्यक्रम करता हूं, देश के पुराने प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, भटके हैं, उसको जरा खोज निकाल करके फिर से जिंदा कर सकता हूं क्या, उसकी कोशिश करता हूं। राज्यों से पूछता हूं, अब तक करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा प्रोजेक्ट, कोई 1960 का, कोई 1970 का, कोई 1980 का कागज पे पड़े थे, जमीन पर कहीं नजर आते नहीं थे। उस जमाने में जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 30,000 करोड़ होने वाला था वो आज 80,000, 90,000, 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उन सारे कामों को निकाल निकाल करके इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आज वैसे ही काम को गति देना, मैसूरु एक प्रकार से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, देश भर में एक कर्नाटक जाएंगे और चीजें देखेंगे लेकिन मैसूरु भी जाएंगे, ये देश के अंदर सामान्य लोगों के अंदर भाव पड़ा हुआ है। आज एक ऐसा काम किया गया है जो सिर्फ
मैसूरू और उदयपुर को जोड़ने वाली एक हम सफर ट्रेन ही सिर्फ नहीं है, लेकिन ये टूरिज्म की जीती जागती बैकबोन है। मैसूरू और उदयपुर को जोड़ना, इसका मतलब दोनों तरफ कर्नाटक और राजस्थान को सीधा टूरिज्म के लिए जोड़ने का ये बड़ा ऐतिहासिक काम। पहले उदयपुर के व्यक्ति को अगर मन भी कर जाए कि अपने टूर प्रोग्राम में उदयपुर के बाहर चलो मैसूरू जाना है, तो 50 बार सोचता है राजस्थान से गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात से महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई से कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी, अब तब जाकर के मैसूरू तो फिर कौन जाएगा। अब उदयपुर देखने आने वाला भी मैसूरू आराम से देखने के लिए चला आएगा। ये बहुत बड़ा और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र